अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी कुछ नए तरीके से। आप भी ज़रूर ट्राई करना। मैंने पहले बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसके लिए मैंने ये एक फूल गोभी का लिया है जो मैंने काट दिया है। एक में से दो पीस कर लिए और उसी के हिसाब से मैंने अपने आलू लिए हैं ये। और इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। ये मैं लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बना लूँगी अभी। देखिए ये मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया तेल, और इधर मैंने पतीले में तेल जितना मुझे डालना है ना, मैंने एक साथ ही पानी पानी नहीं तेल तेल मैं एक साथ ही डालूंगी। उसको अच्छे से गरम करूंगी, और गरम होने के बाद इसमें मैं ये ज़ीरा है, ज़ीरा ऐड कर दूंगी और इसको चटक लूँगी। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर ये फूल गोभी जो मैंने काट के रखी हुई है इसको इसी में करेंगे। देखिए गोभी अब उधम मचाना शुरू कर रही है तेल में जाकर। इसको अलट पलट करेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे जितना हो सके उतना ज़्यादा। कुछ देर ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसको चलाते रहेंगे 5-5 मिनट में। ये देखिए मैंने इसे 3-4 बार चला दिया है। हर 1 मिनट में मैंने इसको चलाया। 5 मिनट में ये भूननी है गोभी, मतलब फ्राई करनी है हल्की सी। इसके देखो गोल्डन गोल्डन निशान आने शुरू हो चुके हैं हल्के हल्के। इससे अलग ही खुशबू आएगी गोभी में, खाने में बहुत मज़े की लगेगी। इसी के साथ हम इसके अंदर आलू भी ऐड कर देंगे। इसको भी इसके साथ मिला के हम 5 मिनट फ्राई करेंगे। एक मिनट हो गया है, अब इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। अब इसमें हम हल्दी कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी ओके और धनिया नमक मिर्चे जो हमें डालना है मसाले वगैरह, अब हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमारी 50% सब्ज़ी गल चुकी है। ये मैंने धनिया डाला, मिर्चे डाली, इसको फिर से चलाएंगे। इसको लगातार चलाएंगे जल्दी जल्दी। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट अब डालेंगे। देखिए मैंने अच्छे से फ्राई करके मसाले मिलाए थे, अब इन मसालों ने भी अंदर भुनना शुरू कर दिया है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगी ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी, आप भी ज़रूर ट्राई करना। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। इसी के साथ में धनिया और सब डाल कर इसको अच्छे से ढक दूँ। ये देखिए
15 मिनट बनते बनते हो गए, तकरीबन आलू हमारे गल चुके हैं मेरे, और ये सब्जी तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए इसका एक एक फूल जैसा था वैसा का वैसा है, और इसमें अच्छे से मसाला भी समाया हुआ है, तो खाने में बहुत टेस्ट लगेगी। तो मैं सर्व करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।